मैं तो शौक हूँ ऐसी चीज़ों को देख के, दिमाग चकरा रहा है कि ऐसी भी देख लो, महाभारत को काल्पनिक मानने वालों देख लो, ये जगह यहाँ पे आके एक बार देखो। और यह जो आप गुफा देख रहे हो, यह है भीम की गुफा। कहा जाता है कि तो मतलब यहाँ पे आ गया, दिमाग सुन्न सा हो गया इसको देख के है क्या चीज़। मतलब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके साइज का, किस प्रकार से कितने बड़े साइज हैं। मतलब आज के इंसान पे मतलब 50-60 किलो वजन यार उठता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ अभी विराट नगर में। यह जयपुर में एक तहसील पड़ती है, एक शहर पड़ता है, और विराट नगर जो है, जो राजा विराट है उनकी राजधानी थी, और मत्स्य प्रदेश था, मत्स्य जो जनपद थे भारत में, उसमें मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब पांडवों ने अपना वनवास काटा था, उन्होंने वनवास के समय पे 1 साल इसी विराट नगर में बिताई थी। कहते हैं कि जो विराट नगर में इन्हीं जो पहाड़ियों में उन्होंने अपनी 1 साल बिताई थी। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं, इसे बोलते हैं भीमसेन मंदिर। और यहाँ पे जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे भीम, उन्होंने यहाँ पे गट्टे वगैरह खेलते थे। तो आप ऊपर जो पहाड़ देख रहे हो, आप जो बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो साइज के, इस प्रकार के 3 आपको दिख रहे होंगे, तो यह वही गट्टे हैं जो जिससे भीम खेला करते थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे जिसमें भीम रहते थे वो गुफा भी मौजूद है। उसके अलावा भीम के पैरों और हाथों के निशाने में मौजूद हैं। मतलब ये एक प्राचीन जगह है कि लोगों की नज़रों से छुपी हुई है। सबसे पहले हम ऊपर चल के आपको भीमगढ़ दिखाएंगे और बारी 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 सारी चीज़ दिखाएंगे। तो साथियों हम आपको ऊपर मंदिर पर लेके जाएंगे, उससे पहले आपको दिखा दूं, आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए। यह जो स्थान है अरावली रेंज में, अरावली पर्वतमाला उसमें स्थित है। और यहाँ पे भीमगट्टा के अलावा अशोक के समय के शिलालेख भी मौजूद हैं, और बहुत ही प्राचीन शहर है। देखिए यह है जो बड़ा सा मंदिर देख रहा है ऊपर पहाड़ी पे, और यह आपको यहाँ पर गट्टे से दिख रहे होंगे, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इस प्रकार के, काफ़ी बड़े बड़े हैं। कहते हैं कि इन्हीं से जो भीम हैं खेला करते थे। और ऊपर चलते हैं, काफ़ी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है दोस्तों, और आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके साइज का, किस प्रकार से कितने बड़े साइज हैं। मतलब आज के इंसान पे मतलब 50-60 किलो वजन यार उठता नहीं है आराम से। और इनका साइज देखिए काफ़ी दूर है अभी तो हम इनसे। तो साथ ही यहाँ से हम आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे इस प्रकार की शिलाएँ हैं यार, कितनी अजीब सी इसकी बनावट है। देखिए बिल्कुल खड़ी, और हम ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, और आज ज़्यादा उमस हो रही है थोड़ी, क्योंकि चौमासे चल रहे हैं, मानसून का मौसम है। और मेरे पीछे आप देखिए पूरी अरावली की रेंज कितनी शानदार लग रही है। और विराट नगर बहुत ही खूबसूरत शहर है, और बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा यहाँ पे, एकदम स्वच्छ वातावरण है। तो साथ ही हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मंदिर तक तो अभी नहीं पहुँचे, मंदिर थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे आप ये बड़ी सी शिला देख रही हो, यही भीमकट्टा बोला जाता है इसे। और भाई साहब साइज देखिए, मैं पास में खड़ा होता हूँ एक बार जाके, शायद कैमरे भी पूरी आ नहीं रही होगी, जो गट्टा है आ नहीं रहा होगा। देखिए साइज इसका, साइज देखिए, और ऊपर दिखा दिए थी थोड़ा नीचे से ऊपर तक के कितना बड़ा है ये। मतलब मैं मानता हूँ कि आजकल मतलब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारे भीम थे बाहुबली, मतलब उनको तो बाहुबली वैसे ही माना जाता है, जो असली में बाहुबली थे क्या साइज हुआ करता होगा। वैसे उनका मैं आपको हाथ और पैर के निशान भी दिखाऊंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने विशाल और कितने ताकतवर थे। कहा जाता है कि 100 हाथियों का तो उन वैसे ही ताकत थी, तो ये तो है ही क्या उनके सामने। और भाई साहब मेरा तो मतलब यहाँ पे आ गया, दिमाग सुन्न सा हो गया इसको देख के है क्या चीज़। मतलब स्टोन है पूरा पूरा, इतना बड़ा गट्टा। और अभी तो ऊपर भी हैं, ऊपर भी दिखाएंगे अभी तो आपको, जितने भी यहाँ पे गट्टे इनसे खेला करते थे, अभी तो ऊपर भी हैं, चलिए ऊपर ही चल रहे हैं अभी, जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर आएंगे इस गट्टे से। और यहाँ पे सामने आपको दो जो पत्थर दिख रहे हैं, दो गट्टे दिख रहे हैं, ये भी भीम गट्टे हैं। और यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, जैसा कि पुजारी जी हैं ये वीडियो में तो मना कर रहे हैं बोलने के लिए, इन्होंने हमें पूरी जानकारी दे दी है। आइए आपको पास से दिखा देते हैं, ये आप एकदम मैसिव साइज के जो गट्टे देख रहे हो, बहुत ही विशाल है। मैं आ रहा हूँ क्या इसमें पूरा, मतलब ये आ नहीं रहे होंगे, तो आप साथियों साइज देख सकते हैं कि मैं पूरा आ नहीं रहा हूँ, आपको वाइड एंगल में दिखाना पड़ेगा, बहुत ही मैसिव साइज के हैं।
भाई साहब यकीन नहीं हो पा रहा मुझे तो एकदम ऐसी चीज़ें देख के, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ब्रज में मथुरा में, ऐसी चीज़ें देखने के लिए कमी मिलती हैं। लेके जाने वाला हूँ और इसके अंदर गुफा बनी हुई है आइए, और कहा जाता है कि यहाँ पे भी वो रहा करते थे, यहाँ पे भी उन्होंने समय बिताया था। आइए, आते ही आपको 11 मुखी महादेव जी के दर्शन होंगे। आइए जी, हनुमान जी का मंदिर है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और नीचे पुजारी जी बता रहे थे कि ऐसी हनुमान जी की मूर्ति पूरे विश्व में नहीं है। यार व्यू भी यहाँ से कमाल का आ रहा है भाई साहब, ज़बरदस्त है। ऊपर चल के हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और उसके बाद आपको भीम जी की गुफा दिखाएंगे। साथ ही चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है यार, आपको नीचे से ही दिख रहा होगा कि ये जो मंदिर एकदम डूंगरी पे कहते हैं, एकदम पहाड़ी पे, एकदम खड़ी पहाड़ी पे स्थित है, तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। हमारे जो कैमरा मैन है उनके पास एक बैग भी था, तो वो भी हमें नीचे रखना पड़ गया। यहाँ से देखिए इनका साइज भाई साहब, कितना मैसिव साइज है यार। मैं तो शौक हूँ ऐसी चीज़ों को देख के, दिमाग चकरा रहा है कि ऐसी भी देख लो। महाभारत को काल्पनिक मानने वालों देख लो, ये जगह यहाँ पे आके एक बार देखो और सबूत चाहिए। ASI द्वारा भी सर्टिफाइड है ये जगह, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। तो साथियों मंदिर पे हम ऊपर आ चुके हैं भाई, सांस फूल गई। और व्यू देखिए यहाँ से, ये हनुमान जी के मंदिर पर ही जा रहे हैं बस। तो साथियों अभी हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। आइए, यहाँ ने भाई साहब हालत ख़राब हो गई, सबसे पहले मैंने पानी पिया था आते ही। आइएगा, हाँ ये वर्ल्ड की पहली मूर्ति मानव रूपी, मानव निर्मित है कि मानव रूपी वर्ल्ड की पहली मूर्ति है ये। अच्छा, हाँ मतलब जैसा कि हम फोटो में देखते हैं। हाँ फोटो में देखते हो आप तो आपको ये मानव जैसा ही रूप लगता है इनका, वानर जैसा रूप नहीं है ये। वर्ल्ड की सबसे पहली मूर्ति है मानव रूपी। मानव रूपी, हाँ। जैसा कि साथियों आप फोटो वगैरह में देखते हो, जैसा कि इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने सूर्य मुंह में ले लिया था उसके बाद हो गया था वो, तो लेकिन उससे पहले जो पहली मानव रूपी मूर्ति है वो बता रहे हैं। ऐसे ही जो हमें नीचे महाराज जी बता रहे थे कि आप ऊपर जाओगे तो आपको एक अलग ही बिगड़े और मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, अच्छे से दिखा दीजिए। मैं भी मतलब इतना ध्यान मेरा पहले गया नहीं, जब देखा तो अद्भुत। तो साथ ही जैसा कि आप पीछे देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है भीम गुफा, ऊपर मंदिर से हम आपको दर्शन करा के आ गए हैं और अभी मैं हम आपको भीम की गुफा दिखाने वाले हैं। और चलिए भीम गुफा पे चलते हैं, आइए इधर से चलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है, भीम गुफा भीमगिरी, जो जो पर्वत है इसको भीमगिरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं ऊपर। साथियों अभी भीम गुफा पे आ चुके हैं हम, अब हम आपको दिखाने वाले हैं वही प्राचीन भीमसेन की यानी बाहुबली भीम की गुफा। आइए अंदर चलते हैं। साथियों आप जो निर्माण वगैरह देख रहे हो ये सब आधुनिक निर्माण है, बाद में किया गया जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो प्राचीन भीम की गुफा है आप देखिए यहाँ पे एक प्रतिमा भी लगी हुई है हमारे भीमसेन महाराज जी की, आप दर्शन करा दीजिए, बहुत ही अद्भुत। और यह जो आप गुफा देख रहे हो यह है भीम की गुफा,
कहा जाता है कि जो राजा विराट की नगरी में भीम रहा करते थे, तो वहाँ एक वो रसोईया का काम करते थे और यहाँ गुफा में रहा करते थे। चलिए आपको दिखाती हूँ अंदर से। आइएगा तो साथियों, यह है भीम की गुफा और अंदर से आप देख सकते हैं, मैं आपको भीम की उंगलियाँ भी दिखाऊंगा कितनी बड़ी बड़ी थी। और आप देखिए यहाँ, लेकिन अंदर मैं आपको कुछ बता नहीं पाया क्योंकि भक्तजन आ रहे थे दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अंदर से गुफा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखी और आपने घट्टे भी देखे किस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं भीम के साइज़ का। और अभी आपको भीम के यहाँ पर साइड में भीम की उंगलियों के निशान बने हुए हैं, वह दिखाते हैं। आइए, जय श्री राम।